सैलरी कितनी मिलती है, इंटरव्यू कैसे होता है, एज का क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, केबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए कितनी होनी चाहिए, वैकेंसी कहां से आती है, कैसे पता चलेगा, इंटरव्यू में ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग कहां होती है, क्या उसके पैसे लगते हैं, अगर लगते हैं तो कितने, और नहीं लगते हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है, क्या एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो कौन सा, ग्राउंड स्टाफ क्या काम करता है, ग्राउंड स्टाफ में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कार्गो के लिए क्या करना पड़ता है, जॉब का पता कैसे चलेगा, बढ़िया एयरलाइन कौन सी है। दोस्तों, अगर ये सवाल अगर आपके दिमाग में बार बार आते हैं और इन सवालों के जवाबों के लिए अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे या 10 लोगों से बार बार पूछते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने आ रहा है और ये वीडियो आपको बताएगा कि क्या इसका जवाब है, क्या इसका सही जवाब है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने 17 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपके सामने हाजिर हूं इन सारे सवालों के जवाब के साथ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें, लेकिन उसके पहले हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर पसंद न आए तो वो भी कहें, वो भी बताएं कि आखिर क्यों पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको बताई। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि आखिर जॉब का पता कैसे लगता है। दोस्तों, यहां पे जितनी भी बात मैं आपको बताऊंगा या जितनी भी चीजें आपको दिखाऊंगा, उन सबका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, और गागर में सागर की तरह सबका मैंने एक एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने में लेकर आया हूं, और आपको बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इतने सारे वीडियोज का निचोड़ केवल एक वीडियो में, और वो आपके लिए। तो दोस्तों, कौन सी एयरलाइन बेस्ट है? नो डाउट नाउअडेज इंडिगो इज ऑन टॉप मोस्ट, जो कि पिछले 4 से 5 सालों से मार्केट को लीड कर रही है एज ए टीम लीडर। उसके बाद आती है जॉब की जानकारी कहां से मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जितनी भी एयरलाइंस है उन सबके करियर का लिंक डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली एयरलाइन की साइट पर जाएं और आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि जॉब है कि नहीं। अब बात आती है कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना पड़ता है? आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, अब आप पूछेंगे वॉक इन इंटरव्यू क्या है? वॉक इन इंटरव्यू मतलब कि आपको कहीं से कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता है। अपना रिज्यूम लीजिए, सही से वेल ड्रेस्ड होकर प्रोफेशनल तरीके से जाइए, और जहां भी इंटरव्यू हो रहा है आप वहां इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सारी बातें आपको वहां बता दी जाती हैं। बाद में आपको एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पे एक आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है। एयरलाइन की साइट पर जाइए, वहां पर सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप वहां पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपना सारा डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट अगर है तो सारी डिटेल आप डालिए। डालने के बाद आपको फाइनली अपना रिज्यूम यानी कि सीवी यानी बायोडाटा आपको अपडेट करना पड़ता है, और अपडेट करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है या मैसेज आता है, उसको आप नोट करके रखिए। जब भी वॉक इन इंटरव्यू होगा तो वॉक इन इंटरव्यू में आप उस कोड को बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगली बात जो आती है, आखिर सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, सैलरी के बाद अगर देखा जाए तो अगर आप फ्रेशर हैं यानी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी मानकर चलिए कि 15,000 से 20,000 के आसपास हो सकती है, पर्टिकुलर इस कोरोना काल में। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे या कंपनी से या एयरलाइन से आपका जो डिस्कशन होता है, आपकी जो बातचीत होती है, उसके आधार पर आपकी सैलरी 19-20 हो सकती है। ये मानकर चल सकते हैं कि पिछली एयरलाइन में या पिछले जगह पे जो आपकी सैलरी थी शायद उसके आसपास बेहतर भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात आती है एज की। दोस्तों, एज की जो नॉर्मल क्राइटेरिया होती है वो है 18 से लेकर 27 साल तक। ये आपको 1-2 साल डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कुछ एयरलाइंस हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एज की जो स्टार्टिंग क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, उन्होंने 21 ईयर रखा है। अब बात आती है कि क्या अगर आपका एज 30 ईयर्स या 27 ईयर से ऊपर हो गया है तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस किया या पॉलिसी कहती है या फिर अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगली बात, सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है? दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आता है कि यस यू आर सिलेक्टेड और आपका सिलेक्शन हो गया है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 420 वाले भी इसी तरह से अपना काम करते हैं, तो आपको इस बारे में थोड़ा सा समझदार होना होगा। ज्यादा डिटेल अगर चाहिए आपको फेक जॉब कैसे पहचाने, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको डिफरेंट जो फोटोज उसको दिखाते हुए मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां मैंने लिखा है फेक जॉब डिटेल्स। तो दोस्तों, ये कहानी हुई। आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के जो खर्चे होते हैं,
वो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी बियर करती है। दोस्तों यहां मैंने बताया कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस, लेकिन बात ये आती है कि आखिर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू को कैसे क्लियर किया जाए। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लेकिन मैं 3 बातें ऐड करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में आपका सिलेक्शन हो तो 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी, आपका जो लुक होता है, उसके बाद आपकी आती है कम्युनिकेशन स्किल, और उसके बाद जो आती है सबसे बड़ी बात वो आपको है इंटरव्यू टेक्निक्स। इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक का वीडियो पसंद आया या मेरे चैनल का बाकी चीज पसंद अगर आपको आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भूल के भी 420 वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको देना चाहूंगा ग्राउंड स्टाफ के बारे में, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टाफ में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो कमर्शियल, सिक्योरिटी एंड रैंप, इन 3 डिपार्टमेंट्स को, इन 3 वर्टिकल्स को कंबाइंड करके ग्राउंड स्टाफ माना जाता है। लेकिन कुछ एयरलाइंस में, कुछ सेक्टर्स में ये चीजें आपको आगे पीछे हो सकती हैं। अब बात आती है फ्रेशर और एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू जो आपको फ्रेशर्स हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि किस चीज के लिए, किस जगह के लिए, किस पोजीशन के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों अब तक के वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू, एयरलाइन इंटरव्यू टेक्निक्स, वैकेंसी, ट्रेनिंग के बारे में आपको रफली आइडिया दिया, सिलेक्शन के बारे में आइडिया दिया, ग्राउंड स्टाफ के बारे में दिया। अब आते हैं क्या एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो कौन सा। दोस्तों कैबिन क्रू के लिए या फिर ग्राउंड स्टाफ के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग मार्केट में आ रखे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि अगर आपके पास एविएशन का कोई सर्टिफिकेट हो तो वो आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब दिला देंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये झूठ है, मतलब कि झूठ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है आपकी पर्सनालिटी, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों अगर आपने इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, मैंने हजारों लोग ऐसे देखे हैं जो बिना किसी सर्टिफिकेशन के आराम से आकर इंटरव्यू को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है वो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप जिस जॉब के लिए आए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जरूर करें। आपको अगला वीडियो किस पॉइंट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसके रिगार्डिंग मुझे बताएं, मैं जरूर आपको वीडियो बनाकर डालूंगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सारी बातें मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड